और अब इसकी लोई बनाकर अच्छे से इसको बेल लेंगे रोटी की तरह। ये सिर्फ थोड़ा मोटा रखना है, बाकी रोटी की तरह ही रखना है। और इसमें सूखा आटा वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें हमने तेल डाला है। अगर ये कुछ चिपकता है तो आप बेलन में भी थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। और इस तरह से इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये एक रोटी की तरह मैंने बेल लिया है, बस थोड़ा मोटा है ये। और अब एक ढक्कन इस तरह से, और अब एक बोतल का ढक्कन लेकर इस तरह से ये टुकड़ा हम निकाल देंगे। और अब ऐसे इसके काजू बना लेंगे, एकदम बिल्कुल काजू की तरह ही लगता है देखने में। और बहुत ही आसान तरीका है ये बनाना, आप इसको बना कर रख सकते हैं, एक महीने तक इसको आप बच्चों को दे सकते हैं। ये मैंने सारे काजू बना लिए हैं, चलिए इनको अब तलते हैं। तेल मैंने गरम कर लिया है और अब इसमें डाल देंगे मीडियम हीट पर, ये तलना है, तेज आंच नहीं होनी चाहिए इसकी, नहीं तो ये बाहर से ज़्यादा जल्दी जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको पकाऊंगी मैं, तलूंगी मीडियम आंच पर। और इसमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे हमने अच्छे से इनका कलर आ जाए। ये देखिए अब हमारे ये तल चुके हैं अच्छे से। और अब जो हमारे काजू बचे हैं उनको भी इसी तरह से हम तल लेंगे। इसी तरह से मैं इनको तलकर निकाल लूँगी 4 से 5 मिनट के बाद। ये काजू हमारे बनकर तैयार हैं। और अब इसको थोड़ा सा और चटपटा करने के लिए लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच और 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून लिया है मैंने आमचूर पाउडर। आप चाहें तो सिर्फ इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैंने ये नमक मिर्च और आमचूर डाला है। और आप चाहें तो इसमें कुछ भी ना डालें, ये वैसे ही बहुत अच्छे हैं ये, क्योंकि इसमें हमने नमक पहले से डाल रखा है। तो थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए मैंने ये डाला है। और इस तरह से 1 चम्मच इसमें मैंने तेल डाल दिया ताकि अच्छे से इस पर चिपक जाए मसाला। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आया है, बहुत अच्छे हमारे काजू बनकर तैयार हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छे काजू बनते भी हैं और बहुत ही आसान तरीका भी है बनाना। इसको इस तरह से बनाकर आप रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने के लिए, 15-20 दिन तो आराम से चली जाए।